महंगाई बहुत हमारे यहाँ तेज है, गैस सिलेंडर भी महंगा हो गया, डीजल पेट्रोल भी महंगा हो गया। ये माहौल तो जानते है कि महंगाई बहुत तेज कर गई है, परेशानी है, महंगाई दूसरे पक्ष दोनों से परेशानी है। हमारा पशुओं को मतलब गाँव वाले छोड़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगा? आप अपनी सुरक्षा स्वयं करिए, कोई रोक नहीं सकता कि बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनेगी, बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी। चौधरी, और आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ टुडे। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आगामी कुछ महीनों बाद उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे होंगे, चुनावी मुद्दे क्या होंगे, जबकि जैसा कि आप सभी को पता है कि सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी चुनावी तैयारी में लग चुकी हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारे साथ कुछ ग्रामीण लोग हैं, हम इनसे जानते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में वह क्या समस्याएं होंगी, वह कौन से बड़े मुद्दे बन के उभरेंगे जो आम जनता से जुड़े हुए हैं, जो सभी लोगों से जुड़े हुए। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका क्या नाम है? त्रिलोकीनाथ। अच्छा, आपको क्या लगता है 2022 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, बड़े मुद्दे क्या हो सकते हैं, चुनावी मुद्दे जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं? अब देखिए, हमारे यहाँ जैसे पशु छूटे हैं और उसके बाद माल जानवर बहुत परेशानी कर रहे हैं, नीलगा और सब खेती गृहस्थी सब नष्ट हो रही है, कांटा भी लगाया जाता है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी बोल देते हैं कि जो कांटा लगाएगा उसको जेल भेजेंगे और अन्यथा जुर्माना भी करेंगे। तो मतलब सबसे ज्यादा समस्या इस समय हमारा पशुओं से है। और महंगाई के मुद्दे पे, महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? महंगाई बहुत हमारे यहाँ तेज है, गैस सिलेंडर भी महंगा हो गया, डीजल पेट्रोल भी महंगा हो गया, और इसके बाद और खाद पदार्थ सब महंगा हो गया, हम तो लोग परेशान हैं। अच्छा, जनता परेशान है। तो आइए, हमारे साथ दादाजी हैं, थोड़ा आगे आइए पास से। दादाजी, क्या लगता है आपको महंगाई के बारे में, यहाँ समय का समस्या लागत है, आप का दिक्कत है यहाँ समय, जब कहा आगे वोट पड़े वाला है, तो का कहीं का माहौल रहे अब की बार? महंगाई है यहाँ, खाए पिए सब दिन परेशान हाथ गए, क्या करिए, पैसे तो नहीं रहे। खेती बाड़ी का हाल है? खेती बाड़ी साहब अब जो कई मिले था, अब तेल महंगाई हुई गई, हर चीज के महंगाई है, मतलब सबसे ज्यादा समस्या महंगाई से है। तो आप क्या कहना चाहें, क्या लगता है 2022 के विधानसभा जो चुनाव हुए, आपको नहीं, आप क्या लगता है 2022 के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, सबसे बड़े मुद्दे क्या हो सकते हैं, मतलब कौन ऐसा मुद्दा रहे जो चुनाव हुई अब की बार? ज्यादातर तो है महंगाई पे होगा चुनाव। महंगाई पे आदमी परेशान है ना, महंगाई के ऊपर हर एक चीज में महंगाई, हर चीज में महंगाई है। तो क्या लगता है कि जो 4.5 साल रहा मौजूदा योगी सरकार का, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं कहे दादा। 4.5 साल जवन रही योगी सरकार, एक बारे में क्या कहा चाहिए, कैसन माहौल रहा है 4.5 साल में, कैसे? ये माहौल तो जानते है कि महंगाई बहुत तेज कर गई है, परेशानी है, खाई महंगाई बड़ी परेशानी, मतलब जैसा कि देख रहे हैं दादाजी बता रहे हैं, महंगाई बहुत समस्या है। जैसा कि आप सभी को पता है, हर कोई बोलना नहीं चाहता, हमारे साथ एक हैं ये बगल में, इनसे हम बात करते हैं। क्या लगता है कि 2022 में मतलब क्या रहेगा, मुद्दे क्या होंगे, बड़े मुद्दे क्या होंगे 2022 के चुनाव में? ये जैसा कि लावारिस पशुए हैं, ज्यादा परेशान है आदमी, पूरा किसान परेशान है इससे। गाँव में देखो तो झुंड के झुंड 15-15, 20-20, 10-10 के एक एक खेत में पड़ते हैं, साफ कर देते हैं पूरे खेत की फसल, इसलिए मुद्दे बन सकते हैं। तो क्या लगता है, तो अब की बार सत्ता बदलेगी फिर यही ऐसे माहौल रहेगा, क्या माहौल रहेगा, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इससे परेशान है, इसमें क्या बताना है, हाँ परेशानी से लोग परेशान है, महंगाई दूसरे पक्ष दोनों से परेशानी है, मतलब मेन समस्या आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि सबसे बड़ी समस्या जो है महंगाई है, लोग यही बता रहे हैं, आवारा पशु हैं। तो हम इनसे जानते हैं, चाचा जी आपका लगता है अब की बार 2022 के चुनाव में क्या माहौल रहेगा उत्तर प्रदेश का, सत्ता फिर से यही लगेगी कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है, क्या माहौल रहेगा आपके हिसाब से, क्या लगता है आपको? हमारे दिल दिमाग से तो यही लगता है कि सत्ता परिवर्तन होगा। जैसा कि अब हमारे, आइए आपको हमारे बगल में कुछ लोग और हैं, हम इनसे बात करते हैं कि जाने आपका नाम भैया? हमारा नाम शेषनाथ पांडे। अच्छा, क्या लगता है अब की बार 2022 के चुनाव में क्या माहौल रहेगा उत्तर प्रदेश का? माहौल तो गवर्नमेंट बनेगी बीजेपी की ही, चाहे जो हो वो, तो महंगाई जो भी गवर्नमेंट आएगी उससे कम नहीं होगी।
अच्छा हाँ, वो बढ़ना ही है, घटना नहीं है, चाहे जो कोई भी गवर्नमेंट आए। मतलब महंगाई बढ़ेगी घटेगी नहीं? घटेगी नहीं, किसी कीमत में नहीं घटेगी, चाहे जो गवर्नमेंट रहेगी वो होगा, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट बनेगी बीजेपी की नहीं। ये जो आवारा पशुओं की इनकी समस्या से क्या, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनके आवारा पशुओं को मतलब गांव वाले छोड़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगा? आप अपनी सुरक्षा स्वयं करिए, गवर्नमेंट क्या करेगी? नहीं नहीं, बात तो सही है अपनी, लेकिन 2017 के पहले अगर देखा जाए तो आवारा पशु जो थे खेतों में नहीं दिखाई देते थे। हाँ, अब 2017 के बाद ही ये समस्या उत्पन्न हुई है। जो 2017 के पहले उसको कर दिए जाते थे, स्लॉटर हाउस में चले जाते थे, अब डर के मारा, योगी के डर के मारा ये स्लॉटर हाउस में नहीं जा रहे हैं, इसलिए ये है। लेकिन गवर्नमेंट बनेगी बीजेपी की? नहीं नहीं बिल्कुल, तो मतलब ये लगता है, लेकिन आपको क्या लगता है, जैसे जिस प्रकार से गाय को हम लोग माता का दर्जा देते हैं हिंदू धर्म में, तो गायों को ऐसे हमारा छोड़ दिया गया जो भोजन के लिए और तमाम ऐसी चीजों के लिए परेशान है, उसके लिए तो गौशाला बना हुआ है, उसके लिए गौशाला बना हुआ है, लेकिन गौशालाओं तक पहुंच तो नहीं पा रही है। अब ये पहुंचने के लिए तो भाई अब गौशाला में जो है उसको छोड़ दे, तो इसे गवर्नमेंट का कोई वो नहीं है। नहीं, जैसा कि साथी बीजेपी, जैसा कि भाई साहब ने बताया, कुल मिला के सरकार बीजेपी की बननी है, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। सुनिए, कोई रोक नहीं सकता कि बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनेगी, बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी, अब सीट कम ये तो मान सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट बीजेपी की बनेगी। जैसा कि साथियों आप सभी ने देखा कि भैया ने जो कुछ बताया, फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। अपराध पे ये गवर्नमेंट जितना अपराध रोका है उतना कोई गवर्नमेंट नहीं रोक सकती, अपराध भ्रष्टाचार कुल। अभी एक मामला हुआ था हाल ही में, आपने देखा होगा हाथरस कांड, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुल मिला के जिसमें आपने देखा होगा, ये छिटपुट तो हिंसा होती रहेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट फिर भी उसमें भी सात दरोगा सिपाही ये सब जेल गए, जो नियम मनीष गुप्ता जो हत्याकांड हुआ था, जो पुलिस हाथरस गैंग रेप की बात कर रहे हैं, जो हाथरस में कांड हुआ था जहां मीडिया वालों तक को घुसने नहीं दिया गया था, चाहे कोई भी बड़ा मीडिया बैनर रहा हो, किसी को अंदर तक जाने नहीं दिया गया था, हम उसकी बात कर रहे हैं। उसकी बात आप कर रहे हैं, लेकिन वो उनको सब सजा मिलेगी, सब वो होंगे, सब ठीक। अभी 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 आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का किसान लगभग 10 महीनों से आंदोलन कर रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, जो कानून आए हुए हैं कृषि कानून उनको वापस लेने की मांग कर रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? अरे इस पर क्या कहना चाहेंगे, कुछ भी हो चाहे जो हो गवर्नमेंट बनेगी बीजेपी की, मतलब कुल मिलाकर उससे कुछ कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन सरकार बनेगी बीजेपी, सरकार बनेगी बीजेपी की, कोई रोक नहीं। तो साथियों जैसा कि आप सभी ने देखा, आप सभी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियो आप देख सकें। जैसा कि आप सभी ने देखा, इसी प्रकार से हम लोगों से मिलते रहेंगे और जमीनी हकीकत आपको दिखाते रहेंगे, लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या बताते हैं, लोग कैसे परेशान है महंगाई, जो तमाम मुद्दे हैं लोगों से जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद साथियों।